इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सीबीएसई की 10वीं और 12वीं परीक्षा से जुड़ी हुई। बोर्ड परीक्षा में नहीं होगा कोई डिविजन। बोर्ड परीक्षा में अब डिस्टिंक्शन नहीं, बोर्ड परीक्षा में सिर्फ नंबर बताएगा सीबीएसई। तो ये बड़ी खबर 10वीं 12वीं परीक्षा पर, ये बड़ी खबर, बोर्ड परीक्षा में नहीं होगा कोई डिविजन। बोर्ड परीक्षा में अब डिस्टिंक्शन नहीं बल्कि सिर्फ नंबर बताएगा सीबीएसई। जी मीडिया संवाददाता वरुण भसीन इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, आखिर सीबीएसई के इस कदम के पीछे क्या वजह बताई जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए पिछले काफी समय से लगातार सीबीएसई इस पर काम कर रहा था और अलग अलग राज्यों से अलग अलग तरीके की रिक्वेस्ट सामने आ रही थी, लेकिन सबसे बड़ा फोकस जो सीबीएसई का ये था कि बच्चों के जिस वक्त जो मानसिक तनाव होता है उसको किस तरह से कम किया जाए, वो कॉम्पिटिशन को एक हेल्दी वे में किस तरह मोड़ा जाए, इस पर पिछले लगातार न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद से ही काम चल रहा था। और इसमें पहला कदम इस वक्त पिछले साल रिजल्ट्स के दौरान ही ले चुकी थी सीबीएसई, जिसमें उस टाइम पे रैंकिंग दिखाना बंद कर दिया था। और उसके बाद अब सीबीएसई की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि वो डिस्टिंक्शन और डिवीजन के बारे में अब आपको जानकारी नहीं दी जाएगी, आपको वो सब्जेक्ट्स के बारे में उनका जो मार्किंग है उससे ही अपना आगे जो कॉलेजेस का इस वक्त एडमिशन लेते हैं उससे पता लगाया जाएगा। यानी कि वो जो रैंकिंग होती थी, जो बच्चों पर दबाव होता था जब वो 10वीं 12वीं की परीक्षा देने जाते थे, जो वो बोर्ड एग्जामिनेशन का एक तरह से रॉ भाषा में कहूं तो हवा बना दिया जाता था, उसको कम करने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में काम चल रहा था। पिछले साल वो रैंकिंग बंद की गई और अब इस वक्त वो डिस्टिंक्शन और डिवीजन को लेकर भी यहाँ पर सीबीएसई ने साफ कर दिया है कि ये हमारी इस वक्त जो मोड कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसमें ये है। बहुत से राज्यों से बार बार सवाल पूछ रहे थे तो ठीक है। शुक्रिया वरुण अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जी न्यूज़।